सो दीज आर कॉल्ड स्किन टैग्स, ऑल्सो नोन एज डीपीएनस. ये जो बड़ा वाला है वी कैन कॉल देम स्किन टैग्स, और जो ये बहुत छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं फेस पे, दे आर कॉल्ड डीपीएनस. नाउ दीज थिंग्स बेसिकली वाई दे हैपन, ये होते हैं मोस्ट कॉमन एज जेनेटिक. बहुत बड़ा रीज़न है जेनेटिक होने का. आप देखना फैमिली में कई बार पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड उनके फेस पे ऐसे डॉट्स रहते हैं, एंड येस दैट्स द मोस्ट कॉमन रीज़न. दूसरे रीज़न क्या होते हैं कि लाइफ स्टाइल हमारा, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड यानी कि शुगर, मीठा, फ्राइड, ये सब चीज़ें, लाइफ स्टाइल एंड फूड. नाउ हाउ टू ट्रीट दिस, ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी सिंपल. ओके, सो आई एम शोइंग यू द ट्रीटमेंट. वी हैव अप्लाइड नंबिंग क्रीम, बिल्कुल नंब हो चुका है अभी, यहाँ पे कुछ भी फील नहीं होगा पेशेंट को. एंड देन वी जस्ट टच यूजिंग दिस मशीन, दैट्स द ट्रीटमेंट. एंड ये जो चले गए हैं, अब ये परमानेंटली चले जाते हैं, दे नेवर कम बैक. इट्स कम्प्लीटली पेनलेस, परमानेंट, वेरी इजी टू डू. एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये करवा लेना चाहिए. क्यों? बिकॉज ये धीरे धीरे साइज बड़े होते जाते हैं. तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें कुछ बहुत छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं, तो धीरे धीरे बड़ा ही होता जाएगा. तो इसलिए वेट नहीं करना है, बहुत सारा इकट्ठा नहीं करना है. जब भी आपको फेस पे अगर 5-10 भी दिखे तो उसको रिमूव करा लीजिए. कहाँ रिमूव कराना है, कोई भी डर्मैट क्लिनिक में ये रिमूव हो जाता है इजीली. बट यस, डोंट गो टू नॉन डर्मैट्स, बिकॉज अगर ये अच्छे से नहीं किया प्रोसीजर तो इट कैन लीव मार्क्स. ऑफ कोर्स इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर, सो शुड बी डन बाई अ डर्मैट ओनली. ये जितने जितने ब्लैक डॉट होते जा रहे हैं, ये सारे डॉट्स 1 वीक के बाद पपड़ी बन के गिर जाएंगे, ये अपने आप गिर जाएंगे. इसमें कुछ स्क्रब नहीं करना है, निकालने की कोशिश नहीं करना है. ये धीरे से 1 वीक के बाद जब फॉल ऑफ होगा, नीचे से एकदम नॉर्मल हेल्दी स्किन रहेगी, इसमें कोई मार्क नहीं छूटेगा, नथिंग एट ऑल. सो इसका पोस्ट केयर क्या है, प्रोसीजर के बाद क्या करना है, वेरी सिंपल. यू जस्ट नीड टू मॉइस्चराइज एंड अप्लाई रेगुलर सनस्क्रीन. ये अपने आप सारे फॉल ऑफ हो जाएंगे. आपको सिर्फ अच्छे से मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन करना है, सो दैट कोई मार्क्स नहीं पड़े एंड जल्दी हील हो जाता है अगर ऐसा किया तो. दैट्स ऑल.